सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमने पहले संस्कृत की सातवीं कक्षा में हमने प्रथम अध्याय उसका अभ्यास कार्य किया। अब हम व्याकरण कार्य करने जा रहे हैं। आप देखें, व्याकरण कार्य में सबसे पहले आपको दिया गया है पेज नंबर 9 पर धातु रूपाणाम प्रयोग है। धातु रूपों का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ यही समझना है। और ये हम वैसे तो पहले व्याकरण के अध्यायों के अंतर्गत आपको समझा चुके हैं, आपको उसी को और तरीके से अच्छे से दोहराना है, तैयार करना है। धातु रूप को देखिएगा, ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु से ध्यान से पढ़े और समझे। सबसे पहले पुरुष दिए गए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सामने वचन दिए गए हैं, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, और सभी वचनों में धातु और कर्ता दोनों दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले बाला पठती, बालव पढ़ता है, बालाः पठन्ति। इसी तरह से दूसरा कर्ता बाल की जगह स या सा का प्रयोग किया है, सा पढ़ती अथवा सा पढ़ती। तव पढ़ता है अथवा ते पढ़ता है, ते पठन्ति अथवा ताः पठन्ति। यहाँ पर एकवचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रथम पुरुष का प्रयोग आपके सामने स्पष्ट है। मध्यम पुरुष में त्वं पठसि, युवां पठता है, यूयं पठथ, अहम पठामी, आवाम पठावा, वयम पठामा। ये अभ्यास आपको अपनी उंगलियों पर रटना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब अभ्यास के यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं जो आपको अपनी नोटबुक में अथवा अपनी बुक में लिखनी है। आपके पास पुस्तक है तो बहुत अच्छा है, आप पुस्तक में अभ्यास देख करके कर सकते हैं। यहाँ जिन में डॉट डॉट दी गई है, जिनके आगे वो रिक्त स्थान है, जिनको मैंने यहाँ भर दिया है, इसको अनुकरण करके आप अपनी कॉपी में लिखेंगे या अपनी बुक में लिखेंगे। यहाँ देखें, सबसे पहले उदाहरण दिया गया है, उसके बाद में रिक्त स्थान दिए गए हैं, परंतु यहाँ रिक्त स्थान मैंने भर दिए हैं, आप उसका अनुकरण करके लिखेंगे। जैसे सा पठती तव पठता ते पठंती, अहम डैश है वहाँ पठामी आएगा, आवाम पठावा, वयम डैश है तो वहाँ पर हम पठावा लिखेंगे। बालिका नृत्यति, बालिके डैश है नृत्यतः आएगा, बालिका है डैश है नृत्यंति आएगा। इसी तरह से त्वम डैश धावसी, युवाम डैश धावथा, यूयम धावथ, यूयम धावथ, इसलिए दिया गया धातु धातु का पता लग जाए कि कौन सी धातु हमने रिक्त स्थान में भरनी है। जनाः भ्रमन्ति, जनौ भ्रम, जनाः भ्रमति, जनौ भ्रमताः, जनाः भ्रमन्ति। इसी तरह से आपके सामने गजः चलति, गजौ चलता है, गजाः चलन्ति। यहाँ जितने डॉट डॉट करके लाइनें दी गई हैं वो रिक्त स्थान है, जो आपकी बुक में आपको पता लग जाएगा, वो हमने यहाँ से कॉपी करके या अपने दिमाग से सोच करके लिखने हैं इसका अनुकरण करते हुए। चटका कूजती, चटके कूजता है, चटका कूजन्ति। त्वं क्रीडसि, युवां क्रीडथा, यूयं क्रीडथ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आपको दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से चूज करके यहाँ पर एक स्थान भरनी है। उनका राइट मैंने यहाँ पर दे दिया है, आपने इनमें से उठा करके अपनी बुक में लिखने हैं। सिंहः ग्रजति, वयम् लिखामः, तौ कौ स्तः, यहाँ प्रश्न बन गया। इसी तरह से आप प्रश्न 2 का आगे का भाग देखिएगा, लते नमतः, छात्रौ लिखतः, युवाम् पश्यतः। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, उदाहरण का अनुकरण करते हुए वाक्य पूरा करें। लट लकार एक तरफ है, दूसरी तरफ लंग लकार है, या तो इधर रिक्त स्थान मिलेगा या तो उधर रिक्त स्थान मिलेगा। अब आपने क्या करना है, अगर लट लकार में है तो लट लकार का रूप भरना है, और लंग लकार में है तो लंग लकार का रूप भरना है। स पुस्तकम पठती, स पुस्तकम अपठत। इसी तरह त्वं गच्छसि है तो त्वं आगच्छः भरेंगे आप। अहम चलामि, अहम अचलम, अचलम इधर दिया है तो इधर चलामी आपने भरना है। ते बालिके, इधर खालिस्तान दिया है, ते बालिके अगस्ताम है, इधर गस्ताह भरना है। युवाम नमत, यूयम नमत, तो इधर यूयम नमत, नमत अनमत लंग लकार चला करके आपने भरना है। इसी तरह से चतुर्थ प्रश्न में देखिए, निम्नलिखितानि वाक्यानि लंग लकारे परिवर्तयन्तु। लट लकारे वर्तमान काले, लंग लकारे भूत काले। आपने देखा दोनों साइड में, एक तरफ लट लकार का प्रयोग है, दूसरी तरफ लंग लकार का प्रयोग है। तौ पठता है, तौ अपठताम। ते चलंती, ते अचलन। ताह लिखंती, ताह अलिखन। सा गच्छति, सा अगच्छत। त्वं नमसि, त्वं अनमः। अहम् भ्रमामि, अहम् अभ्रमम्।
युवाम नमतः योयम अनमतम आवाम धावामः आवाम अधावाव योयम वदथ योयम अवदत। इस तरह से आप वयम चलामः वयम अचलाम, ये आपने आपकी पुस्तक में रिक्त स्थान भरने हैं। इसके बाद ध्यान देना है कि लंग लकार को यदि हम देखो ना वर्तमान काल से अर्थात लट लकार से रूपेभ्यः परम यदि स्मः इति अव्ययपदं युज्यते तदा लट लकार एव लंग लकार यानी भूतकाल से भावः प्रकाशयितुं शक्यते यथा पठति इति स्थाने अगर समा जोड़ दें यानी पठति स्मा इति भवति तरी लंग लकार से बोधा भवति तरी लट लकार भूतकाल और लंग लकार यहाँ पर आप देखो समा अव्ययप्रयोगे। स पठति स्मा स अपठत बालको क्रीडता बालो बालको क्रीडता स्मा बालको अक्रीडताम अहम भ्रमामि अहम भ्रमामि स्मा अहम अभ्रमम। ये जो स्मा लगा है ये सब भूतकाल का बोध कराएंगे वर्तमान का नहीं। त्वम गच्छसि त्वम आगच्छसि स्मा यानी तुम गए त्वम आगच्छः तुम गए। तो इस तरह से यही अर्थ को हमें सिर्फ समय जोड़ करके लट लकार से ही हम लंग लकार में बदल सकते हैं। यहाँ यह अभ्यास दिया गया है जैसे सिंगा ग्रस्ती तो सिंगा ग्रस्ती स्मय बनाना है आपने, ये मैंने बनाया इधर सुखो वदता स्मय बनाना है या लंग लकार भी प्रयोग किया गया है ये आपके सामने है। तुम धावसी स्मा आवाम चलावा स्मा योयम गच्छत स्मा वयम नमामा स्मा इस तरह से आपने इसको भी बनाना है। तुम खेलसी अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 में लट लकार में बदलना है। तुम खेलिष्यसि गजाः चलन्ति गजाः चलिष्यन्ति युवाम क्रीडथ युवाम क्रीडत युवाम पठथः पठिष्यथः ताः नमन्ति ताः नन्शन्ति छात्रौ पठतः छात्रौ पठिष्यतः त्वं लिखसि त्वं लेखिष्यसि। इस तरह से ये अभ्यास पूरा करेंगे ये हमारा प्रथम अध्याय पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।